अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह तीनों दोस्त मूवी देखेंगे, मनी बैक गारंटी सीमा क्रिम, तो उसका रिव्यू आपको देंगे और बताएंगे कैसा है हमारा एक्सपीरियंस है और रैपो का कॉम्बिनेशन होगा। पैसे तो अब हमने दे दिए, मजा आए ना जी। अजीम साहब कैसा रहा भाई? पहले वाली एक असूल हमेशा याद रखना है, पाकिस्तान और इंडिया में जो चाइनीज फूड होता है वो चाइनीज जी पॉपकॉर्न। क्यों इस ईद पे जो मूवीज लगी हैं उनमें ये लाहौर कलंदर की मूवी एक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं पैकेजेस मॉल के बाहर। ईद की आखिरी छुट्टी है और रश बहुत ज़्यादा पैकेजेस मॉल के अंदर। शॉपिंग तो कोई इतनी ख़ास नहीं हो रही, सैर के लिए शायद लोग आए हुए हैं और हम लोग आए हैं मूवी देखने के लिए, क्योंकि बाकी जो सिनेमाज हैं DHA के इर्द गिर्द उनमें हमें जगह नहीं मिली। और वसीम अकरम की मूवी की आजकल बड़ी एडवर्टीज़मेंट चल रही है, तो वो मूवी देखेंगे इंशाल्लाह हम। इसके अलावा भी ईद के ऊपर काफ़ी मूवीज़ लगी हुई हैं मुख्तलिफ तरह की। एक वो बांग्लादेश के मूवी के ऊपर बनी हुई है, एक लाहौर कलंदर की भी कोई मूवी लगी हुई है और इसी तरह कुछ और है, लेकिन हमने वसीम अकरम की मूवी देखनी है मनी बैक गारंटी इंशाल्लाह। तो वो देख के फिर आपको बताते हैं कि वसीम अकरम ने पहली दफ़ा किसी मूवी में काम किया है कैसा लगा है। हम लोग तो एक्साइटेड है इस बारे में। टिकट सिस्टम चल नहीं रहा था तो हमने कहा चलें ओवर दी काउंटर जाके टिकट परचेज करते हैं। तो आ गए हैं सिनेमा के पास, जैसे देखते हैं टिकट्स मिलते हैं कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आज इंशाल्लाह तीनों दोस्त मूवी देखेंगे, मनी बैक गारंटी वसीम अकरम, तो उसका रिव्यू आपको देंगे और बताएंगे कैसा है हमारा एक्सपीरियंस। हाँ, वसीम अकरम और रैम्बो का कॉम्बिनेशन होगा। पैसे तो अब हमने दे दिए, मजा आए ना है वसीम अकरम के। हाँ, क्रिकेट में तो देख ये मूवी देखते हैं हमने भाई, और ये चॉइस हमने वसीम अकरम हमारा ऑल टाइम फेवरेट रहा है, तो इसलिए वसीम अकरम की मूवी देखी है। वो आज इसका तीसरा दिन क्या है और अजीम साहब को शॉपिंग करवानी है लेकिन लगता है उनके पैसे बच जाएंगे, फिर मैंने इससे खुद अपनी भी शॉपिंग करनी है लेकिन ये बच जाना आज इसे लग रहा है। अच्छा, आप लोग सोचेंगे कि इस वक्त हम मॉल में क्यों फेर रहे हैं, तो उसकी वजह ये है कि हमें टिकट एक घंटे बाद का मिला है, तो इस वजह से हम फिर इधर उधर फिर के जरा टाइम पास कर रहे हैं। इधर देखिए पैकेजेस मॉल क्लोज है सारा और फूड कोर्ट में रश देखे। महंगाई हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है लेकिन लोग खाने पीने के शौकीन नहीं है भाई, हम जैसों का भी यही मसला है। अच्छा, चाइना में ये हम काफ़ी खाते रहे, उधर इसको डिमसम बोलते हैं और पाकिस्तान में इसे डम्पलिंग्स कहते हैं, और बहुत टेस्टी होते हैं, बॉयल्ड होते हैं, ज़बरदस्त चीज़ है। तो हम ये ट्राई करने के लिए कि एक लाइट स्नैक हो जाए, घंटा तो भी मूवी देखने में है। डंपलिंग जी की डंपलिंग
वो क्यों ना है? पहले चिकन होता है इसमें। अच्छा ये आप इसमें ओरिजिनल जो है ना अजीम पता है बीफ होता है ओरिजिनल और सूप के अंदर डुबोई आती है और बहुत जबरदस्त होती है चाइना में। इधर हमने इसको मॉडिफाई करके उसका कुछ बना दिया हुआ है कुछ ना होने साहब। क्या सर आप भाई पहले वाली ना तो ये चाइना जैसा है बस एक असूल हमेशा याद रखना है पाकिस्तान और इंडिया में जो चाइनीज फूड होता है वो चाइना वाला फूड नहीं होता वो हाइब्रिड फूड होता है। हाँ अच्छा आप उस स्टाइल में बना रहे हैं भाई कह रहे हैं नेपाली है हमने चाइनीज समझ के खाया और ऊपर मैदा होता है स्टीमे रेडी होता है और इसको मोमोज डंपलिंग भी कहते हैं। भैया आप खाने आए हमारे पास इंशाल्लाह आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। आप कह रहे हैं भाई लोगों ने नॉर्मल को छोड़ के खा लिया स्पाइसी खाया हमने चाइनीज जैसी ऊपर के खाया भाई नहीं ये नेपाली है ये भाइयों के हाल चेक करें ये नेपाली है हमने चाइनीज समझ के खा लिए राजीव जी नाश्ता एक मीठे को ले ला जी क्या है पॉपकॉर्न क्यों क्या है वो रोज के अलग सब्जी है ना हम कुछ भी खा रहे हैं हालत गया नहीं यार कोई मीठे पुल्ले नहीं पॉपकॉर्न है या कॉर्न पॉप है अब खास खाना बदला लेता है अल्लाह का मुंह इस चीज के जो मूवीज लगी है उनमें ये लाहौर के अंदर की मूवी और वसीम अकरम पहली दफा किसी मूवी में आया मनी बैक गारंटी हम वसीम अकरम को देख रहे हैं और उसके बाद ये मूवी वर्ल्ड एट वॉर एक और है जॉन विक ये लगी हुई है लेकिन हम वसीम अकरम को देख रहे हैं तो मूवी देखते हैं फिर आपको बताते हैं क्या चीज़ मकरों वाली जैसा कि अभी जिक्र कर रहे थे अब ये भाई रिव्यू दे रहे हैं बड़ा खतरनाक किस्म का ये कह रहे हैं आप हुए तुम अजनबी देखें क्या मसला भाई इस मूवी का मैं कहता हूँ कि ये समय लेके आपने टाइम वेस्ट कर रहे हैं टाइम वेस्ट करेंगे आप यकीन माने आपने उठ के आ जाना मैं थोड़ी देर बैठा हूँ मैं उठ के आ गया था कहीं मूवी मान ही नहीं रही पता नहीं चल रहा है तो अब उसकी हमें टिकट नहीं मिल रही दोस्तों भाई ने डरा दिया कि मूवी ना देखें टिकट चेंज कर लें लेकिन हमने वो वसीम अकरम बचपन का स्टार है हमारा हमने पंगा लेना है यहाँ का दरवाजा खोलने से दरवाजा बंद करने तक सारे काम मैं करती हूँ मुझे अब भी अपना बना ले बड़ा नहीं पैसे पूरे कर देने यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम मूवी देख के हम तीनों बाहर आ गए मनी बैग गारंटी आधी मूवी हम देख के आग में छोड़ के आ गए ये देखे भाई आप क्यों छोड़ के आए अजीम साहब पहले आप बताएं मुंह सीट कोई नहीं समझ नहीं आ रही हम माशाल्लाह जी वसीम अकरम की वजह से देखने गए थे बिल्कुल बकवास जैसे कि उसकी एक्टिंग होती थी तकरीबन 40-60% मूवी देख ली है अभी तक ये नहीं पता लग रहा कि मूवी में होना क्या है ये वो जैसे एरियल में कहता है ना सेम वही चीज़ है एक पॉलिटिकल सटायर टाइप सीन तो है उसका लेकिन उसमें कोई थ्रिल नहीं है उसमें कोई सस्पेंस नहीं है कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से आप कहें कि यार मूवी देखनी है। तो ले दोस्तों ईद की छुट्टियां ख़त्म हो गई आखिरी दिन का आखिरी रात का भी जो एक्टिविटी थी ज़ीरो हो गई पैकेजेस मॉल की पैकिंग पार्किंग में इस वक्त वही गाड़ियां खड़ी हैं जो मूवीज़ देखने के लिए आए हुए हैं क्योंकि अंदर 6-7 स्क्रीन्स हैं तो फिर हर तरह की मूवीज़ लगी हैं हर तरह के विजिटर्स हैं तो हम लोग अब इधर से निकलते हैं हाजिर होंगे एक नए वीलॉग के साथ अपने कमेंट्स से हमें आगाह कीजिएगा चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अल्लाह हाफ़िज़।